गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा तुहाडे अपने चैनल गुरु बंदगी दे विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। संगत जी, अगर तुसी साखियां या सत्संग सुनना पसंद करते हो तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करके साडे सत्संगी परिवार का हिस्सा बनो ते सानू अपना प्यार दिओ जी। संगत जी, कई वीरां दे कमेंट आए सी कि करम सिंह जी दे होर सत्संग अपलोड करो, सो उन्हां दे कहे अनुसार असी अज एक सत्संग जो कि नौवीं पातशाही है करम सिंह महाराज जी का अपलोड करन जा रहे हाँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, आओ प्यार दे नाल सुनदे हाँ जी। मन माया मेरा मरिया निक सतना है नानक मूर्त चित्र जाओ छाड़त लाए अभीता। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी है, जिन्हां महात्मा नूं असीं हिंद की चादर कहके भी याद करते हाँ। महान आत्मा जदों भी संसार विच आउंदियां हन वो सतनाम का प्रचार करदियां हन, इस आलम नूं सर्दी वलदी हुई दुनिया नूं अपना निज धाम असली वो पॉइंट जिथे जाके आत्मा नूं सुख और शांति प्राप्त होनी है उहदा संदेश दिंदियां हन। लेकिन जदों मौके दे मलाह आउंदे हन असीं उहनां दी कदर नहीं करदे, जाण तों बाद असीं लकीर दे फकीर बन के बैठ जांदे हाँ। महान आत्मा ने आके सानूं इस दुनिया दे विच शांत रहण वास्ते अपना आप लगाया है, आप ठाठा मार दे शांति दे समुंदर बन के अपने जीवन दे विच इहो ही संदेश दिंदे रहे कि सानू उस मालिक दी भगती निम्रता दे विच आके करनी चाहीदी है। देख लो, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की हिस्ट्री पढ़ के पता लगता है आपने अपने हिरदे बड़ा ठंडा और शांत रखिया और अपने सिखा सेवकां नूं शांत रहन दा संत मत दा संदेश दिता। जितने भी महात्मा आए हन सब ने एहो ही संदेश दिता है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की हिस्ट्री पढ़ के पता लगता है कि आप बाबे बकाले दे विच मालिक की भगती करिया करते सी। जदों अठवें पातशाह श्री हरकृष्ण महाराज जी दिल्ली चले गए सी, दिल्ली उन्हां दी सेहत खराब हो गई, बीमार हो गए, आप दे अगे संगत अर्ज करन लगी, सच्चे पातशाह आप दी सेहत बहुत डाउन हो चुकी है, आप दसो किस तरह अगला टाइम आएगा। उन्होंने कहा मैं अपना तन छड देना है, मेरा इतना ही टाइम सी। संगत ने रो के अर्ज की, सच्चे पातशाह फिर इस गद्दी का मालिक कौन बनेगा? तां अठवें पातशाह श्री हरकृष्ण महाराज जी ने हथ उच्चा करके कहा बाबा बकाले, यानी बकाले दे विच महात्मा बाबा है। ये गल जिस तरह घा फूस की अग फैल जाती है इस तरह कुल दुनिया विच फैल गई। कहते हैं इस गल का पता बाबे बकाले दे लोकां नूं भी लग गया। बाबे बकाले दे विच सोढ़ी जितने बैठे सी, जेड़े बुढ़े सी, बाबे सी, धीर मलिए वगैरह, उन्होंने अपनिया अपनिया मंजियां ला के गुरु कहाउणा शुरू कर दिता, असी सब ही गुरु हाँ। इस करके 22 मंजियां सूरज प्रकाश के विच लिखिया है कि 22 मंजियां उत्थे लग चुकियां सी और सब ने अपने आप नूं बाबा यानी गुरु कहाउणा शुरू कर दिता सी। कहिंदे हन उस वक्त मक्खन शाह लवाणा जेड़ा बिजनेस करिया करदा सी उहदा समुंदर दे विच अपना जहाज चलदा सी, वो बड़ा अच्छा एक मन्निया होया सुदागर सी। छेवीं पातशाही
श्री गुरु हरगोबिंद सिंह दा सेवक सी। उदों तो लैके उहदा परिवार संत मत दे उत्ते यकीदा रखदा सी, यकीन रखदा सी, अपने आप नूं उन्होंने संत मत दे उत्ते लाया होया सी। लेकिन अठवें पातशाह दे आपने दर्शन नहीं सी कीते क्योंकि अठवीं पातशाही थोड़ी देर गद्दी दे उत्ते रहे हन। इस करके जिस वक्त वह सुदागर समुंदर दे विच अपना बेड़ा लैके चलिया जा रहा सी, कहिंदे हन रस्ते विच तुगयानी आई, जोर दी हवा चली, जलजला आया, तूफान आया, तूफान चलण नाल उहदा जहाज जिहड़ा सी डोले खाण लग गया। इउं भी लिखिया है कि किसी जगह तो अंदर पानी भी भरना शुरू हो गया। जिस वक्त डोले खांदा सी तां उसने अकाल पुरख मालिक दे अगे प्रार्थना कीती, ऐ अकाल पुरख मालिक, ऐ दीन दयाल, बख्शिश करो, मेरा बेड़ा बन्ने लाओ। इस वक्त जो गुरु नानक साहब महाराज जी की गद्दी दे उत्ते कोई शक्ति होवेगी, मैं उस दे अगे 500 मोहर लिजा के चढ़ावांगा जेकर मेरा बेड़ा बन्ने लग जावे। इस तरह प्रार्थना करदा ही सी, कोई शक्ति ने रहमत कीती, कहिंदे हन उहदा बेड़ा जिहड़ा सी ढक के किनारे दे उत्ते लगा दिता गया। जदों बेड़ा बन्ने लग गया, आम आपां देख लो जदों आपां मरण तो बच जाइए, किते कष्ट होवे, मुश्किल होवे, आपां कितना उस मालिक दा शुक्रिया अदा करदे हाँ, कितना उस मालिक नूं कहिंदे हाँ ऐ मालिक तैं साडे ते बख्शिश कर दित्ती है। इस करके वह मालिक दे अगे इहो ही रात दिन प्रार्थना करे जांदा सी, मालिक ने मैनूं बख्श दित्ता है। कहिंदे हन अपना बेड़ा वो अपने नाल दे बंदिआं नूं संभाल के आप पग्गी लै के कहिंदे हन दिल्ली आके पहुंचिआ। दिल्ली तो पता लग्गिआ कि इस वक्त बाबा बकाले दे विच है, क्योंकि अठवें पातशाह हरकृष्ण महाराज जी इशारा कर गए हन कि बाबा बकाले है। ये गल सुन के उसने अपनी बग्गी जिहड़ी सी ओह बकाले दी तरफ नूं सिद्धी कीती। बाबा बकाले जाके पहुंचे, उत्थे जाके पता लग्गिआ कि इत्थे 22 मंजियां साधुआं दीआं लग्गियां होईआं हन, जिहड़े सब ही इस चीज़ दा दावा करदे हन कि गुरु साहब सानूं कह गए हन। इस करके सारे ही गुरु बने बैठे सी। उस वक्त कहिंदे हन कि मक्खण शाह लवाणा जिहड़ा सी ऐसे फिक्र दे विच पै गया, मन नूं बड़ा दुख महसूस होण लग्गिआ, मैं किहड़े गुरु नूं गुरु कहां, मैं किहदे अगे ये मोहरा चढ़ावां। इस करके उस सोच विच बड़ा गहरे ख्याल दे विच पिया होया सी। उस नूं इक विधि समझ विच आई, उन्हें कहा मैं 5-5 मोहरा रख के सब दे अगे मत्था टेक दिंदा हाँ, मत्था टेकी चलिया जावांगा, जिहड़ा पूर्ण गुरु होवेगा मेरी बांह आपे ही पकड़ लवेगा, जिहड़ा महात्मा कामल होवेगा वह आपे ही मैनू पुछ लवेगा। इस करके मक्खण शाह ने सारिया 22 मंजियां दे अगे 5-5 रुपया मोहरा करके अपना फर्ज अदा कर दिता, और उस तो बाद फिर वो वापस जाण वास्ते तैयार होया। पर किसी ते पुछदा है भरावो इत्थे कोई होर भी महात्मा रहिंदा है, किसी ने कहा कि इत्थे एक टेका कमला रहिंदा है, वो टेका कमला जिहड़ा है एक पिठे हुए मकान दे विच छोटा जिहा नीचे पोरा पट के उस दे विच भगती करदा है। उन्हें कहा चलो आए तां हां उस महात्मा दे भी दर्शन कर चलदे हां, 5 मोहरां दी ही गल है, उत्थे भी चढ़ा चलदे हां। मोहरां लैके थैली तां 500 मोहर दी कोल सी, लेकिन 5 मोहरां लैके उत्थे जाके चढ़ाउण वास्ते प्रोग्राम बना लिया। जदों गुरु दे दरबार दे विच गया की देखदा है कि कामल मुर्शिद दे दरबार दे विचों खुशबू आउण लगी हुई है, क्योंकि आप नूं पता है जिथे मुर्शिद कामल रहिंदा है उत्थे शांति हुंदी है, उत्थे ठंडक हुंदी है, उत्थे नजदीक जाण नाल साडा मन तृप्त हुंदा है, साडे मन दे उत्ते ऐसी साया पैंदी है, साडे मन दे उत्ते ऐसा गलबा पैंदा है कि साडा मन जिहड़ा है तृप्त होना शुरू हो जाता है। इस करके जदों मक्खण शाह
उस तहे हुए कोठे दे पास गया, उथे जाके की देखता है कि अंदरों चंद वांगू चमकदी एक रूह नजर आउंदी है। वह रूह जड़ी है ठाठा मारदी है, ओदी नजर पैण नाल मक्खन शाह दा हिरदा शांत हो जांदा है। नानक नदरी नजर निहाल, जदों असीं गुरमुखां दी संगत विच जाइए गुरमुखां दी नजर पैण नाल आत्मा शांत हुंदी है, ठंडी हुंदी है। आम कहावत आउंदी है कि राजा जनक जिस वक्त नरक दी तरफ नूं गया सी, गुरबाणी च आउंदा है वल्लावन जी नरक निवासी, उत्थे नरक दे निवासी जिहड़े सी वल्ला रहे सी, तड़फ रहे सी, कहिंदे हन राजा जनक दे जामे दी हवा लगण नाल सारे ठंडे हो गए सी। इसे तरह कामल मुर्शद दी झाकनी दे नाल साडा हिरदा शांत हो जांदा है। बुल्ले शाह फकीर भी एक अपनी काफी दे अपनी कलाम दे विच लिखदा है, कहिंदा है मुर्शद नजर मेहर दी तक्की, दित्ता ही प्रेम प्याला, पींदी सार ही आ गई मस्ती, हो गया नूर उजाला, 14 तक डिठे कट अंदर, साफ होया दिल काला, बुल्ले नू रब अंदरों मिलिया, टुटिया कुफर दा ताला। कुफर हंकार जिहड़ा है गुरु दे दर्शन करन नाल टुट जांदा है, शांति पैदा हो जांदी है, निम्रता आ जांदी है, अपना आप जीव त्याग दिंदा है। इस करके मक्खन शाह लवाणे ने जिस वक्त महाराज जी दे दर्शन कीते, उत्थे जाके पंज मोहरा रख के मत्था टेक दिता। कहते हैं नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी मुस्कराए, नजर मार के उसकी तरफ नू त्याकिया तकिया, कहते हैं मक्खन शाह तेरा बेड़ा बन्ने लग गया सी। जदों ये गल कही मक्खन शाह दा हिरदा जिहड़ा सी कंब उठिया, अंदरों कुछ प्यार और वैराग तड़फ उठिया। कहिंदा है सच्चे पातशाह वेड़ा तां आपकी रहमत नाल आपकी कृपा नाल वन्ने लग गया सी। महाराज कहन लगे फिर की मन के आया सी, की किया सी उदों? सच्चे पातशाह 500 मोहर मन्नी सी। महाराज जी कहिंदे फिर हुण 5 नाल सारन लग्या है? जिस वक्त यह गल कही मक्खन शाह नूं तसली आ गई कि मुर्शिद कामल है। कहते हैं नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा इस पासे आ, अपने एक पासे करके चोगा अपना जिहड़ा पहनिया होया सी वह उपर नूं चुकिया, चुक के अपना मोढ़ा विखाया। कहिंदे देखा मैं धक्का लाउंदा सी तेरे जहाज नूं, तेरे जहाज दे विच्चों तिखियां किल्लां मेरे मोढे विच वड़ गईआं सी, मेरे जख्म हो चुके आ, तू 5 मोहरां ला चढ़ा के सारदा है? उस वक्त सुट के 500 मोर गुरु साहब महाराज जी दे अगे आप कोठे दे उत्ते चढ़ गया। मक्खन शाह ने उत्ते चढ़ के कहा गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। कहते गुरु लभ गया, आ कामल मुर्शिद बैठा आओ लोको। कहते हैं गुरु साहब महाराज जी ने उस तो बाद संत मत का प्रचार करना शुरू कर दिता। नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फिर कहते हैं नाल लैके मक्खन शाह लवाणा अमृतसर महाराज दरबार साहब के दर्शन करने वास्ते गया। जदों उत्थे गए मक्खन शाह लवाणे नूं और नौवीं पातशाही नूं अंदर वड़न वास्ते हुक्म नहीं होया, उत्थों फिर वापस आए और आपने नाम का प्रचार खूब संसार दे उत्ते कीता। इस तरह हुण अपनी बाणी दे विच ऐस आलम नूं दुनिया की कंडीशन नूं किस तरह बयान करते हैं? आप कहते हैं मन माया में रम रहो नित नाहे नमीत। कहिंदे ने साडा सारिआं दा मन जिहड़ा है माया दे जाल विच रमिया पिया है, उलझिया पिया है, निकलदा नहीं। जिस तरह कंध दे उत्ते आपां इक चित्र फोटो उकर दिंदे हां, लिख दिंदे हां, उलीक दिंदे हां, ओह उसे तरह उस दे नाल चिंबड़ी रहिंदी है। इसे तरह साडे नाल माया चिंबड़ गई है, माया चिपट के साडे नाल साडे तो अलहदा नहीं हुंदी, असीं माया तो निकल नहीं सकदे। इस करके महापुरुष कहते हैं माया जेवड़ दुख नहीं, सब भगत के संसार
माया किसनों कहा जाता है, जो कुछ दृश्य दे विच आउंदा है, जो कुछ नजर आउंदा है, सब माया ही माया है। ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र, मस्जिद मंत्र गुरुद्वारे, जमीन आकाश तारे, चंद सूरज, जो कुछ आते जो भी कुछ नजर आउंदा है, सब माया दा पसारा है। इस माया दे जाल दे विच्चों कोई जीव निकल किस तरह सकता है, जब तक उसकी रहमत ना होवे, उसकी कृपा ना होवे। इस करके गुरु साहब सानू बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन, सब जीवां दा मन जिहड़ा है ये माया दे जाल विच उलझिया होया है, इस तो निकलना बड़ा कठिन है, इस तो फर्क होना बड़ा कठिन है। जदों वो कृपा कर दिंदा है, इस माया दे जाल विचों कढ दिंदा है। गुरु नानक साहब राग मारू दे विच इशारा करते हैं, बिख बोहे थलादिया दिया समुंद मजार, कंधी दिसना आवई ना उरवार ना पार, वंजी हथ ना खेवटू जल सागर असराल, बाबा जग फाथा महाजाल, सारा संसार महाजाल दे विच फसिया होया है। मरदाने ने अर्ज की गुरु नानक साहब महाराज अगे, सच्चे पातशाह ये जाल नूं कट्टण वाला भी कोई दुनिया विच है? गुरु नानक साहब महाराज कहते, गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम समाल, कहते गुरमुखां दी संगत दे विच जाके सच्चे नाम दी दात लैके उस नूं रट के जप के असी इस जेलखाने तो आजाद हो सकते हाँ, असी इस चरासी दे जेलखाने तो बच सकते हाँ। गुरमुखां दी संगत, कामल मुरशदां दी संगत दे विच जाके, इस करके नौवीं पातशाही इस लंबे शब्द दे विच बहुत सुंदर संदेश देंदे ने, अगे दसणगे। हाँ जी, मन माया मेरा मरया निक सतना है अमेता, नानक मूर्त चितर जाओ छाड़तना है अभीता, मर चाहत कछुआरा आरे की आरे भाई, चितल तरह उठ गौरा नानक फासी गल परी। किड्डा सुंदर संदेश महात्मा दा है, हर तुक दे विच किन्ना रस है, किन्ना आनंद है, कितनी उच्ची और सुची महात्मा दी एर हर तुक दे उत्ते उच्चा और सुचा संदेश दिता है। महात्मा दा किन्ना डूंगा ख्याल सी, उन्हां दी लिव उस परमात्मा नाल लगी हुई सी, या इउं कह लो कि वो खुद आप ही वो मालक थे। इस करके आप बड़ा सुंदर संदेश दिंदे हुए बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन कि हर जीव जिहड़ा है बड़ियां सोचां सोचदा है, अब साडे प्लैन कुछ होर हन, परमात्मा दा प्लैन कुछ होर बनिया होया है। सब दुनिया दे जीव दा जीवां दा अपनी अपनी सोच है। असां पर्वत जड्डियां मौत तनावां हेठ, आसा तो पर्वत चिटियां हन, मौत साडे पैरां दे तले दे थले बैठी हुई है, पता नहीं जिंदगी दे चार दिन है कि नहीं हन, कदों इस भरे परिवार नूं छड के चले जाना है, कदों इस दुनिया दे विचों असीं चले जाना है। इस करके महापुरश दसदे हन, नर चाहत कुछ और औरे की औरे भई, ए नर जिहड़ा है इंसान जिहड़ा है चाहुंदा कुछ होर है, वो कुछ कर परमात्मा नूं कुछ होर पाउंदा है वो बन जाता है। बड़ी सुंदर मसाल दे के एक जगह समझाया है, कहते हैं किसे गांव किसे पिंड दी एक जवान लड़की बीबी अपने परिवार दे गुस्से होके घर दे गहने चुक के पैदल पतुरी चली जा रही है। हाड़ी का महीना है, लोग हाड़ियां कटते हैं, रस्ते दे विच कमीर जिसनूं आपां मरासी कहिंदे हां ओह रस्ते दे विच मंगदा फिरन लग्या होया है, ढोल वड्डा सारा गल विच पाया होया है और भरियां मंगदा फिरदा है। कहिंदे हन उसने दोपहर दे टाइम उस अकेली जांदी बीबी नूं देखिया, उहनूं पुछदा है भैण कित्थे जाना है, उहने कहा खूह विच आई हां टोए विच जाना है। इह गल सुण के उसदे मन दे उत्ते असर पिया, इह जरूर घर परिवार नालों लड़ी हुई है। उन्हें क्या मुन्नी गल सुन बीबी तू लड़के आई है, उन्हें क्या हां मैं दरिया च छाल मारन वास्ते चली हां, उन्हें क्या दरिया बड़ी दूर है एड्डी दूर जांदियां तेरे वारस तेरे रिश्तेदार आ जाणगे, उन्हें पुछया आ तेरे
कोल जड़ी पोटली बनी हुई है इदे विच की है। उन्हें क्या मेरे कहने हन, उन्हें उदे कन्ना च उदे गल च हार वगैरा देख के मरासी दा मन जिहड़ा सी ओ ललचा आया। उन्हें क्या इन्ने सोहने सुंदर गहने हन, अगर मेरे नजदीक किते मर जावे मैं कम से कम गहने तां इस ते लगा ला लवां, जेकर दरिया विच छाल मार के मर जावेगी सब कुछ उत्थे इसका सारा नष्ट हो जावेगा, ए विच्चे चलिया जावेगा, किसे दे कम नहीं आवेगा। उन्हूं क्या बीबी तेनू मरण का तरीका नजदीक ही दस दिंदा हां, इत्थे मेरे कोल आ मैं तेनू इत्थे ही मरण दे वास्ते रस्ता दस दिंदा हां। उन्हें क्या ठीक है, मैनू दूर जाण दी की जरूरत है। कहिंदा मेरे कोल लम्मी रस्सी है, ए मैं ऐस दरखत दे उत्ते पा दंदा हां, नीचे ढोल रख दंदा हां, इस ढोल दे उत्ते तेनू खड़ा के तेरे तू गल दे विच रस्सी पा लवी, नीचे तो मैं ए ढोल जड़ा है खसका देवांगा, तेनू फा आ जावेगा ते मर जावेगी। उन्हें क्या ठीक है, होर की करना है, मैं ते मरण वास्ते आई हां, जिंदी नहीं वापस जाना। उन्हें क्या ठीक है, इसे तरह करदा हां। उन्हें ढोल दे उत्ते फड़ के रस्सी उपर बन दित्ती उस अंदाजे नाल ऐस ढंग दे नाल कि उसकी जान चंगी तरह निकल जावे। हुण उसनू कहिंदा है बीबी ऐ ढोल दे उत्ते खड़ी हो और इस दे उत्ते खड़ के अपने गल दे विच फाहा पा लै। उन्हें क्या मैनू पाउणा नहीं आउंदा गल दे विच फाहा, तू कम से कम मैनू एक बार अंदाजा दस किस तरह गल विच फाहा पाईदा है, किस तरह मैं मरना है, ओनू समझा मैनू समझा दे। ओ उपर खड़ के माया दा लालच दा बन्निया होया ओना गहनिया दे चक्कर दे विच पिया होया उसनू आप ढोल दे उत्ते खड़ा होके अपने गल दे विच रस्सी पा के उसनू नीचा मूंह करके ओनू इशारा करदा है, देख बीबी इस तरह गल दे विच तू फाहा पाउणा है। जदों इस तरह इशारा करके कहिंदा है पैरां थल्लों ढोल खिसक जांदा है। ओ बेचारा उस बीबी नू फहा देन लग्या भी फाए आ जांदा है। गुरु तेग बहादुर नौवीं पातशाही कहंदे हन नर चाहत कुछ और औरे की औरे भई चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल परे फिर जब पता नहीं जीवन किस तरह खत्म हो जाना है। इस करके नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी संदेश दिंदे हन, कहंदे हन ये नर जिहड़ा सोच करता है इहदियां अपनियां सोचां कदे पूरियां नहीं हुंदियां, जो उस मालिक दे हथ दे विच है सब आलम दी एक क्रिएशन दी कुल दुनिया दी इस मालिक दे हथ दे विच डोर है। जिस तरह उस संसार नूं नचाउंदा है जिस तरह करदा है उसे ने करना है। इस करके महाराज जी उस संदेश दिंदे हन, अगे खोल के बयान करनगे। हां जी जतन बहुत सुख के किए दुख को किए ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो। ये बाणी आपां हमेशा ही जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दा भोग पैंदा है उदों अखीर दे विच नौवें महले दे श्लोक पढ़दे हां। आपां हमेशा पढ़ तां लैंदे हां पर विचार नहीं करदे कि साडे महात्मा ने सानूं की संदेश दित्ता है। आप बड़े प्यार दे नाल समझाउंदे हन, कहिंदे जतन बहुत सुख के किए, हर एक जीव सुखां नूं लभदा फिरदा है, सुखां कारण असीं बड़ी बड़ी दूर घरों निकल के माया नूं ढूंढण जांदे हां। सुखां कारण मत मजहब कौम देश दे झगड़े हुंदे हन, सुख नूं हासिल करन वास्ते लीडरियां हासिल करदे हां, सुख नूं हासिल करन वास्ते राज पाठ वगैरा लैंदे हां, पर महात्मा दसदे हन इन्हां जीवां नूं इह संसार दे विच किते वी सुख नहीं है, सुख तां सतगुरु दे चरणां विच ही प्राप्त हो सकदा है। इस करके महाराज जी कहते हैं जतन तो बहुत करते हाँ सुख दे, पर दुख का जतन असी कदे सोचिया नहीं। वो केड़ा दुख है जिस दुख दे कारण असी बार बार चरासी दे जेल खाने विच आउंदे हाँ, वो केड़ा दुख है जिस दुख ने सानू चक्कर विच पा देना है। जदों धर्मराज के दूत सानू पकड़ वास्ते आउंदे हन सानू हर तरह से पुछ गिछ हुंदी है कि भरावा दुनिया विच किस वास्ते तू आया सी, तैनूं इस दुनिया दे विच की लैण वास्ते भेजिया सी, सानूं इस दुनिया दे अंदर मालिक दी भगती करन वास्ते भेजिया है। क्योंकि गुरु साहब कहंदे हन पई प्राप्त मानुक देहरिया गोविंद मिलन की इहो तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम जपन वास्ते इंसान दा जामा मिलिया है, सानू भगती करन वास्ते जामा दे के भेजिया है।
इस करके महाराज जी कहते हैं कौ नानक सुन रे मना हर भावे सो होए। कहते ने हरी नु जो पाना है ओ होना है, हरी दी रहमत जो होनी है ओ तय करना है, तेरे वस की गल नहीं है। हरी अगर भगती करानी चाहता है साढ़े को भगती करा लेंदा है, अगर साढ़े को भीख मंगानी चाहता है साढ़े को भीख मंगा लेंदा है, अगर दुनिया में भटकाना चाहता है असी भटकते फिरते हाँ। इस करके गुरु नानक साहब ने कहा सी ज्यों भावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार, जिस तरह तेरी मर्जी है उस तरह रख, मैनू तो तेरे नाम का भरोसा है, मैनू तेरे नाम तो बगैर दुनिया दे विच कुछ नजर नहीं आउंदा। इस करके गुरमुख सानू एहो ही संदेश दिंदे जा रहे हैं, अगे होर खोल के बयान करनगे। हाँ जी, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत पूरन होवे काम। कोई मुल है वाणी दा, हर तुक दे विच किस तरह समझाया है, पक्का कानून है। वड़े महाराज जी ने लोग क्या करते थे, हजूर ये पानी दे विच बड़ा रस है बड़ा आनंद है, हजूर फरमाया करते थे अनामी धाम का कानून है, ये पक्का कानून है, ये गुरमुखां दे मुखार बिंद का असली कानून है, इस करके इसदे विच रस बड़ा है आनंद है। आ बड़े प्यार नाल समझाउंदे हन, जगत भिखारी फिरत है, असी दुनिया दे जीव जेड़े आप मालिक बने बैठे हाँ, आप दाते बने बैठे हाँ। गुरु साहब कहने सभी जगत भिखारी है, एक दाता है ओ मालिक है, जेड़ा सारे आलम दा एको है, जिन्हों सबना जिया का एको दाता कह के याद किया जाता है। बाकी दुनिया दे जीव सब भिखारी हैं, असी सब दुनिया दे जीव उस मालिक दे मंगते हाँ, उस तो मंगना है, मगर असी की करते हाँ, दाता दात दे दिंदा है, दात नू अपनी बना के दाते नू भुल के बैठ जाते हाँ। दात प्यारी विसरिया दातार, दात नाल ता प्यार है, दातार नाल साडा कोई प्यार नहीं है, दाता अपनिया बना के मालिक नू भुल के बैठ जाते हाँ। जिस दाते ने इतनिया दातां दित्तियां सी, जिस दाते ने रहमत कीती सी, जिस दाते ने बख्शिश करके सानू ये भंडार दिता सी, असी उसकी कदे भी मालिक की कदे भी याद नहीं कीती, उसकी कदे भी भक्ति नहीं कीती। इस करके गुरु साहब कहते हैं सब संसार जड़ा है ये भिखारी है, पर अपने आप नू कोई भिखारी समझदा नहीं है। हर एक आदमी अपने आप नू दाता ही बनिया बनाया बनाई बैठा है, हर एक आदमी अपने आप नू मालिक बनाई बैठा है, मालिक सारिया का एक निरंकार है, फिर किसके अगे हाथ अड्डना है, किस तो को जाके मंगना है। जे उस मालिक ने सानू बख्श देना है, दात दे देनी है, उसने मुड़ के सानू याद नहीं कराउना, उसने मुड़ के सानू नहीं जतलाउना, उसने कदे तानाबाजी नहीं करनी किसे साथी ते, किसे भरा ते, किसे यार दोस्त मित्र ते, या पिता ते, या पुत्र ते। आपां 400 रुपया लै लईए, ओ रोज सानू इह सुणाउंदा है मैं तैनू इतना रुपया दिता है, जिहड़ा करोड़ां रुपया दे के अनमुली दात दे के शरीर दे के धियां पुत्र दे के सानू कदे भी नहीं जतलाउंदा कि मैं तैनू कुछ दिता है। इस करके गुरु साहब कहते हैं उस दाते नू भुल के ना बैठ, उस दाते को हमेशा मंग, ये दुनिया दे बादशाहियां को ना मंग। कैंबड़े महाराज मसाल दिया करते सी, हजूर क्या करते सी, अकबर किते बहुत ज्यादा गर्मी दे विच बाहर निकल गया, बाहर घोड़े ते चलिया जांदा सी, रस्ते दे विच प्यास लगे आउंदी है, एक जिमीदार दे पास चलिया जांदा है, वह हल बाउण लग्या होया है, उसके पास जाके कहिंदा है कि भरावा मैनू प्यास लगी है। वह जिमीदार साधे सुभाअ दा सी, फटे कपड़े साधा कम जोड़ी लैके हल बाउंदा चलिया जा रहा है, उहदी शकल बादशाह दी देख के ताज वगैरा देख के कहिंदा है तू कौन है। उन्हें क्या मैं अकबर बादशाह हाँ, उन्हें हल कड़ा दिता, उन्हें क्या बादशाह आया है, उन्हें कोल खड़ा हो गया, की चाहिदा है बादशाह, उन्हें क्या प्यास बड़ी लगी है, पानी चाहिदा है, उन्हें कोल कोरा घड़ा भर के रखा होया सी, उन्हें विचों कटूना भर के नू पानी दा पिला दिता जाता है, बादशाह दी जान जान विच आ जाती है, बड़ा उसे वक्त खुश हुंदा है, थापी दे के कहिंदा है जदों कदे तैनू कोई मुश्किल होवे मैं इत्थे दा बादशाह हाँ, तू मैनू जानदा है, सब दुनिया जानदी है,
जदों भी तेन मुश्किल होवे मेरे महलां विच आ जाना। उन्हें क्या भाषा मैनू की जरूरत है, मैं हाथों के नावों की कमाई करता हाँ, मालिक की भगती करता हाँ, मालिक नू याद करता हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जदों जरूरत हुई करे मैं तुहाडे दर्शन जरूर करांगा। कहिंदे हन कोई समा आया कोई दात कोई चीज लैण वास्ते शहर विच जांदा है, उत्थे ख्याल आया चलो अज बादशाह दे महलां दे नजदीक आए हाँ, अज बादशाह नूं मिलता चलीए देखिए। प्यास करके ही मेरे कोल इन्नी निम्रता दिखाउंदा सी कि उहदे अंदर इतनी निम्रता है भी कि नहीं है। इस करके बादशाह दे दरवाजे दे अगे चलिया जांदा है, महलां दे अगे चलिया जांदा है। पहरेदार ने रोक लिया, पहरेदार नूं कहिंदा है मैं बादशाह नूं मिलण वास्ते उहदे नाल वचन कीता होया है, जा मेरा नाम फलाना है, बादशाह नूं जरा मेरा संदेश दे दे। उन्हें कहा तू खड़ा हो जा क्योंकि नमाज पढ़न दा टाइम हो चुकिया होया है, वह नमाज पढ़न लग्या होया है, इस करके थोड़ी देर तो बाद तैनूं उहदे नाल मिला देवांगा। उन्हें झोखे थाई मोहरी थाई देखिया बादशाह अंदर खड़ा नमाज पढ़ता है। मेहनत करने नाल भी साडी मेहनत पूरी ना पवे तां किहड़ा असीं उस दाते दा दरवाजा छड के चलिया जाना है। जे उह खुश होवेगा दात दे देवेगा, जे उहनूं नहीं मंजूर होवेगी ना देवेगा। इस करके महापुरश दसदे हन कहिंदे हन उस मालिक दे दरवाजे दा अपने आप नूं भुखारी बना, इस दुनिया दे दरवाजे दा भुखारी ना बना। एडा सुंदर संदेश है, अगे होर खोल के दसदे ने। हां जी, झूठे मन के हा करा जग सुपने जियो जा, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बिखारा। झूठे मान कहां करे, कहंदे केड़े चीज दा तू अपमान करन लग्या होया है, ये सब झूठा है, संसार झूठा है, दुनिया झूठी है, तेरा तन झूठा है। कहंदे झूठे हन सुनदे झूठे हन, सच्चा संसार ही झूठा है, इहदे नाल की तू प्रीत पाई बैठा है। इस करके महापुरश दसदे हन झूठे मान कहां करे, कहंदे केड़ी चीज दा अपमान करन लग्या होया है, देदा करन लग्या होया है, ये ता मिट्टी दे या अग दे सुपुर्द कर दित्ती जावेगी, इहदा की हंकार है। हजूर फरमाया करदे सी वड्डे महाराज आम तौर ते खोल के दस्या करदे सी, कहिंदे केड़ी चीज दा हंकार करदा है, जेकर राज बादशाही लीडरी दा करदा है, वड्डे वड्डे लीडर राजे महाराजे असी भुखारी बने हुए देखे हन, मिंटा सकिंटा चा इतनी उन्हां दी बादशाही लै जांदी है, दूसरे दिन मंगतिया वगन भटकन लग जांदे हन। इस करके महापुरश दसदे हन पता नहीं उह मालिक नूं की पाउंदा है। इस करके कहिंदे हन हंकार ना कर, जेकर तू ये तन सोने का हंकार करता है, चार दिन बुखार चढ़ जाता है, तेरी हालत की हो जाती है। मैं हुणे ही एक दिन चंडीगढ़ हस्पताल किसी रिश्तेदार नूं मिलने वास्ते गया, मैं उत्थे एक बंदा देखिया जिदे दो हथ नहीं सी, एक लत भी कट्टी हुई सी, उहदी एक लत सी, उहदी सुंदर सोहणी लड़की जवान औरत उसनू चमचे नाल खाना खाण लगी हुई सी। विचार करके देखो इस पल का की हंकार है, पता नहीं इस संसार दे विच कदों की हो जाना है। इस करके महापुरश कहिंदे हन झूठा मार किस चीज का करता है, किस चीज का हंकार कर लग्या होया है, ए धन का हंकार करता है, ए तिया पुत्रा का हंकार करता है, चार चार पुत्र कट्ठे मर सकते हैं, की हंकार कर लग्या होया है, इन्हों भरावान का इन्हों दोस्तों का हंकार करता है, इन्हों जायदादों का हंकार करता है। इस करके महापुरश दसते हैं ये तन जिहड़ा है, ये जिहड़ा तेरा शरीर जिहड़ा है, ये भी तेरे साथ नहीं जान वाला, दुनिया तो सुई तक तेरे साथ नहीं जाएगी। इस करके महापुरश बार बार ये संदेश दिंदे जा रहे हैं, कहते हैं झूठे मान कहां करे जग सुपने जो जान, इनमें कुछ तेरो नहीं, तेरा कुछ नहीं, इस संसार च तेरा की है, किहड़ी चीज नूं तू अपना समझण लग्या होया है। जिस वक्त जीव मरता है उस वक्त साथी रिश्तेदार जेबां खोलनिया शुरू कर दिंदे हन, कन्नां विचों कांटे मुर्गियां साडे लालतियां जांदियां हन,
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੜੀ ਫੌਰਨ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਨੰਗਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨਮੇ ਕੁਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸੇ ਚਿਨ ਮੈਂ ਨੀਤਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸੇ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਗ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਫੂਲ ਪੰਖੜੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵੋ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਯਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਸ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਰ ਦੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਹੇ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਏ ਤਾਲਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਸੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
कहिंदे इह तन जिहड़ा है तैनू मिलिया उच्चा और सुच्चा मिलिया है, इहनू इंसानां दी तरह वरत, इहनू बंदियां दी तरह वरत, इह तैनू भगती करन वास्ते कलब मिलिया है, मालिक दी इबादत करन वास्ते मिलिया है। अगर तू मालिक दी भगती नहीं करदा तां तू इस दुनिया दे विच कुत्तियां सूरां डंगरां दी तरह आया इत्थे चारा चर के चलिया जावेगा। वह भी खांदे पींदे भोगदे हन, उहनां नू भी बच्चियां नाल प्यार है, सानू भी बच्चियां नाल प्यार है, उन्हां नूं भी हट हवेलियां नाल प्यार है, बाहरों दौड़ के उस खुरली दे उत्ते आके खड़े हो जांदे हन, सानू भी इह दुनिया दीआं चीज़ां नाल प्यार है। गुरु साहब कहिंदे हन इह उच्चा जामा तैनूं मिलिया सी इक सिर्फ मालिक दी भगती करन वास्ते, तैनूं सेंस बुद्धि अकल दित्ती सी पर उस नूं तूं लेखे ना लाया, कितें चंगी तरह ना वरतिया। इहो जी वाणी सुंदर वाणी है, हर पॉइंट दे उत्ते गुरु साहब समझाउंदे हन, अगे होर दस्सणगे। स्वामी को ग्रज्यो सदा स्वान तजत लई नेता, किए दिद हर पद एक मन होए एक चेता। स्वामी को ग्रह ज्यो, कहिंदे स्वामी दा जिहड़ा घर है, जे स्वान कुत्ते नूं कहा जांदा है, कुत्ता रखिया होया होवे उस नूं लाठी लैके मारन वास्ते पै जाइए दौड़ जांदा है, डंडे खा के दूर खड़ा हो जाता है, वह दौड़ के कितने दूसरे के दरवाजे से नहीं जाता, असी अगे अगे आ जाइए पिछे पिछे उसे दी देरी दे अगे आके बैठ जाता है, उसनू मोती कह के प्यार करना शुरू कर दईए हाथ नू चट्टन लग जाता है, बिल्कुल भुल जाता है इसने मैनू मारिया सी। महाराज जी कहिंदे हन जिस तरह कुत्ता अपने स्वामी का ग्रह तज के किते नहीं जांदा, ऐसा उस मालिक दा दरवाजा ना तज के जा, उस मालिक दी भगती कर, उस मालिक दी इबादत कर। कबीर साहब महाराज कहंदे कबीर कुकर राम को मोतियो हमारा नौ, गले हमारे जेवरी जय खिचे तै जाओ। कहंदे मेरा नौ मोती है और मेरे गले विच जेवरी पाई हुई है, मैं उस मालिक दा कुत्ता हां, जिहड़ा उस मालिक दा कुकर बन जांदा है वह मालिक उसनू गले नाल लाल लंदा है। मैंने एक गल याद आई, मैं प्लेटफार्म दे उत्ते साडे स्टेशन ते खड़ा होया सी, काफी दिनां दी गल है, एक जिमीदार गड्डी चढ़न वास्ते आया, उहदे नाल अलशेशन कुत्ती सी, ओह उहदे नाल प्लेटफार्म दे उत्ते जितनी देर गड्डी नहीं आई बैठी रही, उस तों बाद ओह गड्डी ते चढ़ गया, जदों गड्डी ते चढ़िया उस कुत्ती ने उसदे नाल दौड़ना शुरू कर दिता, गड्डी दे विच ओह बैठा, उसने बथेरा उसनू हटाया, बिठाओ बहुत कुछ किया, लेकिन ओह नाल दौड़दी चली गई, जदों प्लेटफार्म दे सिरे दे उत्ते गए उसने दौड़ के उसदे विच छलांग मार के अंदर वड़न की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर के अद्धी दरमियान दे विचों कट गई। मैं उसके कोल बैठ के बहुत देर तक देखता रहा, मैं उसनू बुलाउंदा रहा, उसने बहुत दफा अपने मालिक नू याद किया। इस तरह गुरु साहब कहते हैं अपने मालिक का दरवाजा ना छड़, रात दिन उहदी याद विच रोए चलिया जा, उहदी याद मना। गुरु साहब मिसाल कुत्ते दी दे के समझाते हैं, इस करके महाराज जी कहते हैं जिस तरह कुत्ता अपने मालिक का दरवाजा नहीं छड़ता, तू भी मालिक के दरवाजे के उत्ते फिदा हो जा, अपनी हस्ती नूं मिटा के रख दे। होर अगे होर खुल के दसणगे। हाँ जी, तीर्थ परत अरदान कर मन में तरे गुवाल, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर असवाल। होर भी बड़ा सुंदर संदेश देंदे हन, कहिंदे मन दे विच ख्याल आया चलो मालिक दी भगती करिए, कहिंदे होर नहीं भगती किसे तरीके नाल हुंदी, चलो तीर्थ वर्त ही कर लैंदे हां। गुरु साहब कहिंदे ठीक है, तीर्थ वर्त करने चंगे हन, माड़े नहीं, बेकार नो बिगाड़ करनी किसे दी चंगी हुंदी है। पर महाराज जी कहिंदे जे तीर्थ वर्त दान करन तों बाद भरावा तू हंकारी बन गया, उहनूं जितलाउणा शुरू कर दिता, जिस तरह हाथी जिहड़ा है उसनूं नवा दिता उहने अपने सिर दे उत्ते खाक पा लई। इस करके गुरु साहब कहिंदे हन तीर्थ वर्त दान करन नाल भी सानूं सुख और शांति हासिल नहीं हो सकदी। वड्डे महाराज फरमाया करदे सी
पुन दान जो बीजते सब धर्म राय के जाए, पुन दान बीजते हाँ धर्म राज के हवाले सानू होना पैंदा है, धर्मराज साडा हिसाब किताब लैंदा है, जिथों असी पुन दान दिता सी उत्थे जन्म दे दिंदा है, दस गुणा किते सौ गुणा किते कितने गुणा सानू उत्थे जाके मिलदा है। महात्मा ये नहीं कहंदे कि पुन दान नहीं करदा करना चाहीदा, लेकिन गुरु साहब कहंदे हन, कहंदे हन गुरबिन माला फिरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है जय पुछो वेद पुराण, कहंदे हन गुरमुखां दी संगत तों बगैर तेरा किते भी दान नहीं लगना, दान अगर तू करदा है दान करना चंगा है, पर महाराज जी फरमाया करते सी कि ऐस हाथ दी ता गल छड, जिस हाथ नाल तू दान करन लग्या है इस हाथ नू भी पता ना होवे मैं की दान कीता है, पर असी जदों दान करते हाँ असी वड्डा सारा बोर्ड अपने नाम का जरूर पहला लिखा के रखते हाँ, इस करके महापुरश दसते हैं कि तीर्थ वर्तर दान कर मन में तरगो मान, नानक निष्फल जात है ज्यो कुंचे इशनान, जिसा हाथी ने लड़ाया कहते हैं उन्हें मुड़ के मिट्टी उपर पा ली, ये हाल इस दानी का हों हम अगे होर दसते ने। हाँ जी, सिर कंपे ओ पग डगमग नैन जोत तहिया, कहो नानक ये बिद भई तौ ना हर रस लीला। सुन महाराज जी सानू थोड़ा जा हलूणा दिंदे ने समझाउंदे ने, कहिंदे सुन टाइम नहीं देखिया मैं तैनू टाइम नहीं पता नहीं लग्या, ओए बचपन दा टाइम निकल गया। तीन अवस्था गुरु साहब दे विच बाणी ने विच दसियां हन, गुरु नानक साहब महाराज जी ने चार पहरे कहके याद किया है, महात्मा बुद्ध ने चार हिस्से शरीर इंसानी जामे दे बनाए हन, इसे तरह हुण महाराज जी कहिंदे बुढ़ापा आ गया है, असी कल स्कूलां विच मौज ना फिरदे हुंदे सी, असी दगाड़े मारदे भज्जे फिरदे सी, छोटे जे बच्चे हुंदे सी, अज चिट्टी दाढ़ी हो गई है बुढ़ापा आ गया है। गुरु साहब कहिंदे हुण वह टाइम आ गया है, सिर कंपियो पग डग मगे, वो पग अपने आप नहीं बन्नी जाती, करते कहते ने यह बड़ी पग नहीं हूं संभाल हूँ परना जहा दे दो सिर ते लपेट लिया करेगा, बुढ़ा हो जाता है ऐसा शरीर हो जाता है अपने नजदीक कोई चीज नहीं चुकी जाती। बाबा फरीद जी कहते हैं अज फरीदा कुजड़ा सह कोसी थी अम, कहते हैं इन्हों छोटिया छोटिया टंगा नाल किडे पहाड़ा ते चढ़ जाया करता सी, समुद्रा दे किनारिया ते घूमे आया करता हुंदा सी, अज की हाल है अज नजदीक कुजड़ा जड़ा है चुकया नहीं जाता, ऐसी हालत हो जाती है बाहर अंदर जाते हाँ अपना नाड़ा आप नहीं बनिया जाता, हाथ कंबदे हन, ऐसी हालत बुढ़ेपे विच जाके आ जाती है। गुरु साहब कहते हैं सोच नहीं आती अजे भी मालिक की भगती नहीं करता, कबीर साहब महाराज बुढ़े के पास जाते हैं भगती करया कर, कबीर साहब महाराज जी ने जो उन्हें कहा कहिंदा भगती तो कर लंदा मुंडे हाले थोड़े जे कम कार से लग जान ब्याह हो जान फिर भगती करनी अपने होर की करना है। फिर जिस वक्त बुढ़े दे घर फिर दोबारा कबीर साहब गए जब देखिया बुढ़ा जिहड़ा पोतियां नाल खेलन लग्या होया सी, कहिंदे हुण की ख्याल है भगती करदा है कि नहीं, कहिंदा की दसा नूहां पुत्तर उपर छत दे उत्ते बैठ जांदे हन, आ बच्चे मेरे पल्ले पा दिंदे हन, मैं इन्हां नूं घलाउणा पैंदा है नाल ख्याल भी निचले दरवाजे दा रखना पैंदा कोई ताला ही ना तोड़ लवे, इस करके मैनूं इत्थे सेवा करनी पैंदी है चौकीदारा करना पैंदा है। उन्होंने कहा अच्छा फिर सही। फिर कबीर साहब महाराज काफी दिन बाद आते हैं, बहुत टुटी जी मंजी दे उत्ते पिया होया छड़ी जी लीर न मक्खियां हटाउन लगियां, कहिंदे हुण भगती कर लै, कहिंदा कफ बै ने घेर लिया भगती की करनी है, खांसी नहीं टिकन दिंदी बीमार बहुत रहिंदा हाँ, कदों भगती हो सकती है। वीर साहब बहुत दिनों के बाद फिर आए, बुढ़ा मर चुकिया सी, कहिंदे हन उस वक्त कबीर साहब ने मुंडिया नूं पुछया बाबा कित्थे गया, कहिंदे मर चुकिया है। अच्छा कहिंदे उन्हें मर के कित्थे जाना सी, जहां आसा तहां वासा उत्थे ही पैदा हो गया है, हिस्ट्री च दसिया है कहिंदे उत्थे ही ओ बैल बनिया उत्थे फिर कुत्ते दी जोनी विच वी पिया, कहिंदे हन सुरह कबीर साहब कहिंदे सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट उपर झमकण वाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाए और किसी के मत ही जाए, छीके ऊपर तेरी डीठ मत लकड़ी सोटा परे तेरी पीठ, कहत कबीर भोग पलो कीन मत को मारे ईंट ढीम,
कहिंदे मत कोई तेरे हेठ पत्थर मारे तेरा पिट्ठा ही तोड़ देवे की करन लग्या होया है तैनू क्या सी भगती करना हुण साध आया कुत्ते दे जामे विच आया बैठा है इस दरवाजे दा चौकीदार बनिया बैठा है इस करके महापुरुष दसदे हन जहां आसा जिथे आस ध्यान हुंदा है उत्थे जन्म लेना पैंदा है बदल तनु त्रिलोचन से नर मुक्ता पीतंबर ताकेरे दे बसे जिहड़े मालिक की भक्ति करते हैं अंतकाल जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बदत लोचन सेनार मुक्ता पीतंबर ताकेरे दे बसे अंत नूं जो मालिक की भक्ति करता है वह मालिक दे देश विच चलिया जाता है इस करके महाराज जी कहते हैं सिर कंप्यो पग डगमगे नैण जोते हीण अखा अन्निया हो गई हैं गला कम नहीं करता जिवें डूंगे खूह दे विच बोलता है इस तरह बोलन लग्या होया है गल समझ नहीं आती गुस्से हो के गल पेंदे हन इस करके हथ कंबदे हन बच्चा गिलास पकड़ाउण आउंदा है छोटे बच्चे नूं दे दिंदे हन कहिंदे तू दफा वड परे नूं दे चाह इक कप ओ चाह पकड़न लग्या छट जांदा है कहिंदे छट परे हुण इस नूं देनी ही कोई नहीं है ए हालत हो जांदी है आखदा पुत्तर महलां त्यों उठा दिओ बुढड़े दा मंजा ढारे हेठ डा दिओ थुक थुक भर दित्ता सूचवारे नूं कोई ना पछाणे बुढड़े विचारे नूं आपां आम देखदे हां नजर मार के देख लियो किस करके गुरु साहब कहिंदे हन की सोचण लग्या होया है अजे भी मालिक दी भगती नहीं करदा गुरु साहब ने सानू बार बार नसीहत दिती है अगे दसणगे गुरु साहब हां जी निज कर देखियो जग तुमे को काहू को नाहे नानक ते हर भगत है तेरा को नाहे निज कर देखे और जगत में को काहू को नाहे कहंदे साहिब चंगी तरह गुरु साहब कहंदे असीं अजमा के देख लिया है इस संसार दे अंदर कोई किसे दा नहीं है इत्थे ना कोई अपना पुत्र है ना कोई धी है ना इस्त्री है ना यार है ना दोस्त है जदों धर्मराज दा दूत आउणा है कन्नों पकड़ के पता नहीं किस पासे लै जाणा है भरिया परिवार साडे कोल बैठा रह जाणा है वड्डे सुंदर जवान लड़के नूहां साडे कोल बैठियां रह जाणियां हन साडे पास आलम फाजिल गुणी ज्ञानी बैठे रह जाणे हन साडे पास MD डाक्टर साडियां नबजां पकड़ी बैठे रह जाणे हन इस करके महापुरश दसदे हन की सोचन लग्या होया है तेरा इस संसार दे विच कोई अपना नहीं है तेरा कौन अपना है बड़े महाराज फरमाया करदे सी कि सतगुर अपना है कि शब्द अपना है हजूर फरमाया करदे सी सज्जन सही नाल में चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन जदों लेखा धर्मराज दा देना होवेगा गुरु साहब कहंदे हन कर्म इना दे करके कीते इना करके ठगियां कीतियां चोरियां कीतियां इना बच्चिया करके इना घरदिया दे करके लोगों को रिश्वत लिया लिया के जायदादा बनाईया कोठियां बनाईया गुरु साहब कहते जिस वक्त इतों चलिया गया फिर उत्थे पुछदे हन सुना फिर हुण तेरा की हाल है अमलां दी पोथी काली होई पई है की करे रोंदा पिटदा है इस करके महाराज जी कहंदे हन इत्थे संसार विच तेरा कोई नहीं है जिहड़ा तेनों अगे धर्मराज दे दूत तों बचा सके बड़ा सुंदर संदेश है अगे देणगे गुरु साहब खोल के जग रचना सब झूठा है जान लियो रे मीता कहो नानक तेरे मारा है बालू की रीता जग दी जितनी भी रचना है कुल आलम जो भी मालिक ने यह बनाया होया है यह सब दा सब काल दे अधीन है खंड पताल दीप सब लोहा काले वस आप प्रभ किया नेचल एक आप अविनाशी सोने चल जो तिसे त्यायंदा जन्म साखी दे विच भी आउंदा है कहंदे हन 14 तपक काल के वासा कितविद जाए काल ते नासा 14 तपक काल दे अधीन कर रखे हुए हन इस संसार जितना भी है महाराज जी कहंदे जग रचना सब झूठ है सब झूठ है यह छड़ के चलिया जाना है कहंदे की तू मन दे विच सोचन लग्या होया है जग रचना सब झूठ है जान लहो रे मीत कौ नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत बालू रेते नू कहते हैं पीत कंध नू कहते हैं जे कंध रेते नहीं बना लईए कहते हैं
ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾ ਕਾ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਆਲ ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕਾ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਸੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੰਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੱਜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਾਂ ਜੋਜਨ ਛਤ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਸਰਬ ਸੋਨੇ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ, ਕਹਾ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨਵੇਂ ਪਈ ਪਰਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕਾ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ 50-100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਈ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਪਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਬਲਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੂਬ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 12 ਮਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਮਾਹ ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਦਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਇਆ ਦਿਸਣ ਸਭ ਚਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਹਾਰ, ਸਾਮਨ ਤਿਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੁਹਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
जिसका राम नाम दे मल जुड़ गया है। बाकी संसार दियां जितनिया जी रूहां हन कोई सुहागण नहीं है। जिन्हों प्रीतम दे नाल पैर जिदा लगाओ पैदा नहीं होया उस संसार दे विच एवें ही आईया एवें ही चलिया गईया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी संदेश दिंदे सी कि उह सुहागणी है जिदा शौ प्रीतम दे नाल प्यार पै गया है, जिन्हों प्रीतम दे नाल प्रीतम ने अपनी बना लिया है। बाकी रूहां दुनिया दे विच भटक के चलिया जा रही हैं। किड्डा सुंदर संदेश दे के फिर समझाते हैं।